एक्सप्लोसिव चार्जिंग का काम 3 दिन पहले पूरा हो चुका है। इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लोर्स वो कल दोपहर तक पूरा हो चुका था। अब आगे जो करना है 2 दिन 2.5 दिन लगातार फाइनल चेकअप्स करने हैं। जो भी एक्सप्लोसिव हमने लगाया है वो कहीं हमारी गलती तो नहीं हो गई है। 28 को 12 बजे जब फाइनल चेकअप करके हम नीचे उतरेंगे तो ये दोनों अपेक्स और कियान जो 2 टावर है आपको ट्विन टावर की दिख रही हैं वो दोनों बिल्डिंग के इंटरकनेक्शन हम करेंगे 12 से 1 या 1.5 बजे तक। उसके बाद वहाँ से एक तार खींची जाएगी जो बिल्डिंग से 100 मीटर दूर पर रहेगी। वहाँ एक एक्सप्लोडर लगा जाएगा और 2:25 पे या 2:27 पे पुलिस हमको क्लियरेंस दे देगी। हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर भी रहेगा जहाँ एक्सप्लोजन हो जहाँ से इग्निशन पॉइंट पे। जैसे पुलिस का क्लियरेंस मिलता है बटन प्रेस होगा, आने वाले 12-13 सेकंडों में ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। कुल कितने लोग मौके पर रहेंगे? 6 जन रहेंगे, 3 अफ्रीकन एक्सपर्ट्स, मैं रहूँगा मयूर मेहता, एक हमारे इंडियन लोकल ब्लास्टर मिस्टर चेतन दत्ता और एक पुलिस ऑफिसर हु विल गिव अस द क्लियरेंस दैट ऑल क्लियर नाउ इवैक्यूएशन जोन सो यू कैन गो एंड प्रेस द बटन। सर जो विस्फोट की बात करें तो किस तरह से होगा? ऊपर के तल से होगा? नहीं, नीचे से विस्फोट शुरू होगा और ऊपर अंत होगा। जैसे कियान का पहला कॉलम सिलेक्ट किया गया है तो वो प्रोसेस होगी, प्रज्वलित होने की प्रोसेस 7 सेकंड की रहेगी। कियान का पहला कॉलम और अपेक्स का 30th फ्लोर का लास्ट वाला कॉलम SL2 SL3 के साइड का, और आगे से बिल्डिंग नीचे से गिरना शुरू होगी। इट विल बी अ वाटरफॉल इम्प्लोजन, यू विल सी इन द मीडिया व्हेन इट विल बी लाइव।